अब इसके बाद बात शुरू होती है एक्सट्रीशन इन एनिमल्स की। अब एनिमल्स के अंदर भी उसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट वेस्ट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी कि ऐसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें ज्यादातर साफ पानी है, नमक वगैरह नहीं है, तो ऐसी एनवायरनमेंट में पानी आपकी बॉडी में घुसता जाएगा और उस पानी को उससे फिर जान छुड़ाना आपके लिए मजबूरी हो गई है, तो वो पानी आपके लिए उस वक्त वेस्ट है। लेकिन जब आप यहाँ पे खुश्क एनवायरनमेंट में है तो पानी वेस्ट नहीं है, पानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह अगर आप हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी कि एसिड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे साल्ट ज्यादा है पानी कम है, तो ऐसे में फिर साल्ट आपकी बॉडी में घुसते जाएंगे और उन साल्ट से जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है जी, तो नाइट्रोजनस वेस्ट फिर तीसरे नंबर पे वो भी जो है पैदा होती हैं और उनका भी मसला है। ठीक है, अब नाइट्रोजनस वेस्ट में मेन कौन सा केमिकल है जो हार्मफुल होता है, वो है अमोनिया। ये चीज आपने पहले देखी हुई है, इसको हम कहते हैं ये अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड के सेंटर में हमने पढ़ा हुआ है कि एक कार्बन होता है, एक उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, एक सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप इस पूरे को हम कहते हैं, और एक अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप हम कहते हैं NH2 को। ठीक है, और एक यहाँ पे ये R लगा हुआ है। ठीक है, तो इन तीन चीजों के ऊपर फिलहाल हम तवज्जो नहीं देते, सिर्फ NH2 के ऊपर तवज्जो देते हैं। अगर इस कंपाउंड को हम तोड़ेंगे तो ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ये NH2 जो है ये यहाँ पे लग जाएगा, NH3 बन जाएगा और कार्बन के साथ जो है मसलन फॉर एग्जांपल OH लगा दें तो ये टूट जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रोसेस को ये NH2 यहाँ से निकालने को, माइनस करने को हम डीअमाइनेशन कहते हैं और ये रिएक्शन आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में तकरीबन हर वक्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो अक्सर बॉडी उनको रिसाइकल करती रहती है और रिसाइकल करने के चक्कर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स तोड़ दिए जाते हैं और उनमें से उनका अमीनो ग्रुप निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को डीअमीनेशन कहते हैं और ये अमीनो ग्रुप फिर या तो दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है या इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो वो अमीनो जो है इसको वाटर के अंदर जो है डिजोल्व कर दिया जाता है और फिर इसको बॉडी से बाहर निकालने की पानी के जरिए से, जब आप पानी यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें अमोनिया भी होता है। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी तो वो टॉक्सिक होगा। अगर अमोनिया आपके बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो अमोनिया आपने सुना होगा पहले भी कि जहरीली गैस है। ठीक है, तो वो जब आपकी बॉडी के अंदर इसका लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे, आपको हो सकता है झटके लगना शुरू हो जाए, कोमा में जा सकते हैं और डेथ भी हो सकती है ज्यादा अमोनिया की वजह से। तो बॉडी इससे जान छुड़ा रही होती है मुसलसल, और बाज दफा फिर बॉडी की जान छुड़ाने के लिए या तो डायरेक्ट अमोनिया प्रोड्यूस करेगी या उसको किसी और ऐसे केमिकल में कन्वर्ट कर देगी जो ज्यादा जहरीला ना हो। मिसाल के तौर पे यूरिया है या यूरिक एसिड है, दोनों अमोनिया से बनाए जाते हैं और दोनों को बॉडी से निकालना निस्बतन आसान काम है, निस्बतन कम जहरीले है। ठीक है जी, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट केमिकल्स आपकी बॉडी में इससे ही नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते जुलते पैदा होते हैं। मसलन क्रिएटिनिन है जो क्रिएटिन से बनती है। अब क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन एक कंपाउंड है जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो मसल्स के अंदर होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, तो उस दौरान क्रिएटिन टूटता है और क्रिएटिन बनती है जो कि एक वेस्ट कंपाउंड है। ठीक है जी, इसके अलावा ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड है। ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये बास शार्क्स वगैरह भी इसको बॉडी में संभाल के रखती हैं। ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ये कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है। इसके अलावा आपके थोड़े बहुत अमीनो एसिड्स जो हैं वो यूरिन में रिलीज हो रहे होते हैं। इसके अलावा प्यूरिन्स हैं और पिरिमिडीन्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो आपके DNA में पाई जाती हैं, और बहुत सारे वेस्ट कंपाउंड जो हैं इनसे बनते हैं और वो फिर आपकी बॉडी उनको ठिकाने लगाती है। मसलन हाइपोजैंथीन है, जैंथीन है, यूरिक एसिड है, एलेंटॉइन, यूरिया, अमोनिया, ये सारे कंपाउंड्स प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के मेटाबॉलिज्म से, उनके टूटने से बनते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन से क्या चीज़ें बनती हैं और इसी तरह क्रिएटिन किससे बनती है,
ये वाले सवाल जो है क्रिएटिनिन किससे बनती है, ये वाले सवाल अक्सर पेपर में वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो अमोनिया अब हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, आपकी बॉडी के फ्लूइड्स में पाया जाता है, पानी के अंदर अमोनिया आसानी के साथ डिजोल्व हो जाती है, लेकिन इसके लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता, कोशिश की जाती है कि इससे जान छुड़ा ली जाए और वो यूरिन के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, यूरिन के अंदर काफी सारा अमोनिया होता है, ठीक है। अब अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, और इतना ज्यादा पानी चाहिए होता है कि ठीक है जो पानी के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर जो रह रहा है उसके पास तो इतना पानी अवेलेबल है कि धड़ाधड़ पानी बाहर निकाले जाए तो उसकी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली पानी आता जा रहा है तो उसको मसला नहीं है। लेकिन अगर आप खुश्की पे रहते हैं तो आप इतनी अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप धड़ाधड़ पानी बहाए जाए, ठीक है। तो पानी को कंजर्व करना होता है खुश्की पे रहते हुए, लेकिन पानी के अंदर रहते हुए अमोनिया को डायरेक्टली निकाल दिया जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ठीक है जी। तो जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, वो 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करने के लिए 0.5 लीटर 500 ml पानी जाया करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पानी वाली जगहों पे तो काम करता है, लेकिन जहां पे पानी अवेलेबल ना हो वहां पे ये टेक्निक काम नहीं करती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को मोस्टली अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालें उनको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ज्यादातर मछलियां ये काम करती हैं फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाने वाली। उसके मुकाबले में जो ऑर्गेनिजम्स खुश्की पे रहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली अमोनिया को बाहर नहीं निकालते, बल्कि वो क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड तोड़ा उसमें से अमोनिया निकाला, एक और अमीनो एसिड तोड़ा उसमें से एक और अमोनिया निकाला, और इन दो अमोनिया को मिलाकर ये NH2 और NH2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर यूरिया बना दिया, ठीक है। तो ज्यादातर जो खुश्की पर रहने वाले मैमल्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म ज्यादा भाग रखा है तो वो ये यूरिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया प्रोड्यूस करते हों उनको यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब यूरिया क्यों प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि यूरिया बनाने का फायदा ये होता है कि पहले जो 1 ग्राम नाइट्रोजन 500 ml 0.5 लीटर पानी में के जरिए से आप निकाल रहे थे वो अब सिर्फ 50 ml पानी के जरिए से निकल सकती है, ठीक है। यानी कि अमोनिया निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, लेकिन यूरिया के फॉर्म में उसको उसी नाइट्रोजन को निकालने के लिए बहुत कम 10 गुना कम 10वां हिस्सा पानी चाहिए, ठीक है। तो ये इससे पानी की बहुत ज्यादा बचत हो जाती है, और अगर आप खुश्की पे रहते हैं तो आपको पानी की बचत आपकी मजबूरी है, तो आप एनर्जी लगाकर एक साइकिल के जरिए जिस साइकिल को यूरिया साइकिल कहते हैं उसमें आप ये वेस्ट नाइट्रोजन को इस तरीके से रिमूव करें। उसके मुकाबले में तीसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खुश्की में रहते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, वो हैं जो आपके अंदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है। तो ये एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, और इनके पास पानी की बहुत ज्यादा अमाउंट अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को यूरिया में भी नहीं कन्वर्ट करते बल्कि सॉलिड यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब यूरिक एसिड का क्या फायदा है कि यूरिक एसिड की फॉर्म में आप उसे रिलीज करेंगे तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 ml पानी चाहिए होगा, पहले 50 ml चाहिए था और उससे पहले 500 ml चाहिए था, तो अब 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 ml पानी चाहिए। अगर आप इस अमोनिया को कन्वर्ट कर लें यूरिक एसिड में, ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको पानी आसानी से अवेलेबल नहीं होता वो यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन, इनमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अमोनोटेलिक, फिर यूरियोटेलिक, और अब यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। अब ये आपने देखा होगा परिंदों की बीट देखी होगी तो उसमें जो व्हाइट कलर का मटेरियल होता है ये यूरिक एसिड है, एक्चुअली थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा वो पेस्ट सा बना हुआ होता है,
इसके अलावा बाज ऑर्गेनिजम्स की, मसलन कॉकरोच की पीठ देखी हो तो उसके अंदर भी ये वाइट कलर का स्पॉट जो पड़ा हुआ होता है, ये एक्चुअली यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स हैं।